नमस्कार दोस्तों, ऊषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक नई रेसिपी आप लोग को बताएंगे। चलिए आप लोग को ऐसा खेत दिखाते हैं कि बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगेगा। चलिए हम पहुंच चुके हैं। आज बारिश हुई थी और सब हर जगह भीगा भीगा सब नज़र आ रहा है। दोस्तों ये हमने आज आया है मैंने टमाटर के खेत में, और देखिए आप बहुत ही अच्छा टमाटर का खेत है, एकदम घोपेदार टमाटर फरा हुआ है। और यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से इसको सेट किए हुए हैं, रस्सी से बांधकर चढ़ाए हुए हैं, जैसे एक भी टमाटर में दाग ना लगे, सड़े ना, उसको तार बांधकर ऊपर किए हैं। चलिए देखते हैं कि जिस तरफ से जाने वाला रास्ता होगा उसी रास्ते से हम अंदर घुसेंगे। पूरा लाइन लाइन से टमाटर लगाया गया है, और जैसे भरने में आसानी हो और इसको मिट्टी को ऊपर तक चढ़ाते हैं। देखिए दूर दूर तक टमाटर, बहुत दूर तक मतलब ये खेती किया हुआ है, और सभी टमाटर बहुत अच्छे फरे हुए हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। टमाटर तोड़ रही हैं? हाँ। आपके टमाटर खेती तो बहुत अच्छा है। हाँ। ऐसा टमाटर तो कहीं कहीं भी मिलता है, हर जगह पे नहीं मिलता, और बहुत ही अच्छा फरा भी है। हाँ। तोड़ रही हैं? हाँ। बहुत ही अच्छा टमाटर आपका, मतलब बहुत बड़े बड़े हैं दीदी। एक बाल्टी और एक ट्रे टमाटर तोड़ी हैं। दोस्तों आप तो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं, और एक तो मतलब एकदम कला की तरह एकदम सजा कर अपना खेत रखे हुए हैं। देखिए टमाटर तोड़ने में हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम घोदे घोदेदार टमाटर हैं, अभी कच्चे भी हैं। बारी बारी से टमाटर पकता है, एक साथ में नहीं पकता, किसान को भी थोड़ा मौका मिल जाता है बेचने में। टमाटर का ठाई बहुत ही नरम होता है, टमाटर को मतलब बहुत ही आराम से तोड़ते हैं, ऐसा इसका ठाई टूटे ना, और बहुत ही ज़्यादा फरा भी है। दोस्तों ये टमाटर का खेत हमको बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों अगर आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं हमको। हम निकलते हैं अब खेत में से, और एक बार और आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा खेत है, टमाटर का सजा हुआ है। दीदी बांध रही हैं? अच्छा, बहुत पतला पतला रस्सी है, टूट जाता है ना, तो दोबारा तिबारा इसको मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, टमाटर भी तोड़ती हैं, और जहाँ जहाँ आप देखती हैं टूटा रहता है उसको बांधती भी थी। रुपया किलो का देते? 10 रुपये किलो। तो दीदी अकेले काम करा थे क्या, और आदमी लोग करा थे? आदमी जब पर जाए ज़्यादा तोड़े के तो आदमी को रखे। अच्छा, कभी कभी ज़्यादा जब पक जाता है तो आदमी वही आदमी किए रहे 16 तारीख जब आ। हाँ, गाड़ी आ रही। दीदी आपका टमाटर हमको बहुत ही अच्छा लगा, ले ले पैसा। चलते दीदी, नमस्ते। चलिए दोस्तों, हमने टमाटर लेकर पहुंच चुके हैं घर पे, अब इसका हम बनाएंगे रेसिपी। गाजर को भी हम अच्छे से धो लेते हैं। अब मैं मटर का बीज निकाल लेती हूँ, मटर को भी मैं धो लेती हूँ।
ज्यादा नहीं लूंगी, बस थोड़ा सा। प्याज को हम आधा काटते हैं, आधा ही प्याज लेंगे। अदरक का भी मैं छिलका उतार लेती हूँ। दोस्तों आज हम बनाएंगे टमाटर का भरवा। तो टमाटर का भरवा बनाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा इसको इधर कट करती हूँ और इसका मैं बीज अंदर से निकालती हूँ सावधानी से। टमाटर हमारा एकदम ताज़ा है, बहुत ही अच्छा है। देखिए मैंने इसको होल बना लिया है। इसी प्रकार मैं सारे टमाटर को होल बनाकर इस थाली में रखूँगी। चलिए टमाटर में से मैंने सारा जूस निकाल कर और बहुत ही अच्छे से खाली कर लिया है। अब मैं इसकी जो जूस बचा हुआ है इसको मैं फेंकूंगी नहीं, एक ग्रेवी में इसका यूज करूंगी। इसको मैं पानी से अच्छे से साफ कर लेती हूँ। पहले मैं काजू को पीस लेती हूँ। साथ में मैं ले लेती हूँ मिर्चा और ये मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है और ये टमाटर। चारों को मैं अच्छे से एक साथ में पीस लेती हूँ। सिर्फ बटे से मैंने पीस लिया, इसको मैं कटोरे में निकाल। आग हमारा जल लगा है, इसमें हम रखते हैं कढ़ाई। अब कढ़ाई में डालती हूँ सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालते हैं जीरा। अब हमने 5 मिर्चा लिया है और 2 लवंग, ये बड़ी इलायची है, इसको मैं खोल कर इसको डाल देती हूँ। अब इसमें हम डालते हैं प्याज। इसको हल्का सा ब्राउन होने देते हैं चलाते हुए। प्याज हमारा उधर ब्राउन हो रहा है, मैं इधर थोड़े से गाजर को छोटा छोटा काट लेती हूँ। अब इसमें गोभी वाले पत्ते को डालती हूँ और इसी में डालती हूँ थोड़ा सा मटर। अब इसमें मैं डालती हूँ गाजर और इन सबों को अच्छे से पका लेती हूँ। गोभी मटर गाजर हमारा पक चुका है, इसमें हम ये आलू डालेंगे। आलू को हमने उबाल कर और तोड़ लिया है, अब इसको इसी में डालकर भूनेंगे। आलू को अच्छे से मिला लिया है, अब इसमें हम डालते हैं हल्दी, लाल मिर्च, हल्का सा धनिया। अब इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। हल्का सा इसमें नमक डालेंगे और क्योंकि हमें भी ग्रेवी में भी डालना है। अब ये हमारा भरवा बनकर तैयार हो चुका है, इसको मैं अब इसको मैं रख देती हूँ नीचे और इस थाली में मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं टमाटर में स्टफिंग को भरती हूँ। ऐसे ही हम सारे टमाटर को भरकर तैयार कर लेते। तो वही कढ़ाई मैं इस पे दोबारा रखती हूँ।
अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम टमाटर भरवे टमाटर को मैं रख देती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा पलट देती हूँ। देखिए हमारा पकना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको ढक देती हूँ। धीमी आंच पर इसको हम पकाएंगे और इसको मैं ढककर बीच बीच में इसको पलटती रहूंगी, ज़्यादा हमारा गले ना। और इस चूल्हे पे दूसरा कढ़ाई में रखती हूँ। अब इस कढ़ाई में मैं डालती हूँ थोड़ा सा तेल ग्रेवी बनाने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालते हैं मिर्च, 5 मिर्च है और 2 लवंग, और इसी में मैं डालती हूँ इलायची, उसका छिलका हमने निकाल लिया है। मसाला हमारा चिटक चुका है, अब इसमें हम डालते हैं पिसे हुए ये टमाटर। में से हमने जो इसका जूस निकाला था, इसको मैं छन्नी से छानकर इसी में डाल देती हूँ। और इसी में मैं डालती हूँ इस ड्रिपिंग जो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा। अब इस ग्रेवी में हम डालते हैं हल्दी और लाल मिर्च और ये थोड़ा सा धनिया और ये गरम मसाला। अब सभी को अच्छे से भूनते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम इसको भून रहे हैं और इसमें तेल निकलना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं पानी। अब ग्रेवी के हिसाब से कम बेसी डाल सकते हैं। ग्रेवी हमारा उबल रहा है, इसमें हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने थोड़ा सा पहले ही भरवे में डाला है, इसी हिसाब से डालते हैं। मिला देते हैं, पानी इसका जलाते हैं। ग्रेवी हमारा काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम ये डालते हैं भरवा टमाटर। ग्रेवी आप थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, पर ये गाढ़ी ग्रेवी बहुत ही अच्छा है भरवे के लिए। दो मिनट तक इसको और हम उबालते हैं। दोस्तों ये हमारा भरवा टमाटर बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इसमें कलर भी बहुत अच्छे आए हैं, इसमें ग्रेवी भी बहुत अच्छी है।